हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल गुरुकुल ट्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। अभी तक हमने इस चैप्टर पे बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल पे, इसका ऑब्जर्वेशंस क्या होता है वो भी हम देखेंगे। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और किसी भी वीडियोस को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आप बीच में से देखेंगे तो आपको डाउट्स बनेगा। तो कभी भी ट्राई टू वॉच इंटायर वीडियो, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टॉपिक्स पे क्लियर हो सके। थोड़ा सा छोटा वीडियो देख करके आप किसी भी कंटेंट को आप जज ना करें, आप पूरा वीडियो देखें। और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं आया, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सपोर्ट करें। और जो भी आपका सजेशंस होगा वो मैं फॉलो करूंगा अगले वीडियोस में, उसको मैं इम्प्लीमेंट करके मैं अपना कंटेंट को और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है टर्मिनेटिंग डेसिमल। यही टॉपिक क्लास 10 में पढ़ाई जाती है और वहां पर नाम दिया जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हम किसे कहेंगे? टर्मिनेटिंग, यहाँ पर जो पहला वर्ड है डैट इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? कम्स टू एन एंड। जनरल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग का मतलब? लीव, हटा देना, फायर कर देना। ओके, सो कम्स टू एन एंड। एक और वर्ड है हमारे पास, वो क्या है? डेसिमल। जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं, ऑल रेशनल नंबर्स कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स। ओके, जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे रेशनल नंबर को हम डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट उन डेसिमल्स में से जो डेसिमल टर्मिनेट कर जाएगा, मीन्स कम्स टू एन एंड आफ्टर सर्टेन प्लेस, यदि वो एंड हो जाता है, यदि वो टर्मिनेट कर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो मैं एक एग्जांपल आप सभी के सामने में रखना चाहूँगा, 1/4। ओके, 1/4। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सभी को डिवाइड आता होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1/4 है, इट मीन्स व्हाट? 4 इज डिवाइजर एंड 1 इज हेयर डिविडेंड। ठीक है, 1 इज डिविडेंड। तो 1 अंदर चला गया, बाहर डिवाइजर हो जाएगा। अब इसको यदि देखो तो ये तो डिवाइड हो नहीं सकता है 4 से, तो इसको हम क्या करेंगे? हम डेसिमल पुट करेंगे। डेसिमल पुट करने से क्या होगा कि मैं यहाँ पर एक जीरो खुद से प्लेस कर पाऊंगा। इससे क्या होगा कि अब जो ये नंबर बना है, अब जो ये नंबर फॉर्म हुआ है, दैट कैन बी डिविजिबल बाय 4। उसके लिए हम क्या करेंगे? 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 8 आएगा, और सब्ट्रैक्ट होकर के हमें रिमाइंडर 2 मिलेगा। फिर हमारे पास डेसिमल है तो हम एक और जीरो यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो 20 है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, देखो एंड हो गया। एंड होने का मतलब ये टर्मिनेट कर गया आफ्टर 2 5। ठीक है, ये क्या हो गया? टर्मिनेट कर गया। इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। मीन्स 1/4 का वैल्यू क्या आया? 0.25। मतलब आफ्टर 5 ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। यदि कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।
मैं कमेंट में समझाने की कोशिश करूंगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5/8 है, तो 5/8 टर्मिनेटिंग है कि नहीं है वो हम चेक करते हैं। ये अब देख रहे हो कि 5/8 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल प्लेस करेंगे जिससे कि हम यहां पर 0-1 रख पाएंगे। अब क्या होगा, 8/6 = 48 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट होके क्या आएगा, 2। डेसिमल हमारे पास ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे, 0 प्लेस कर देंगे, तो 8/2 = 16 से ये फिर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर आएगा 4। फिर हमारे पास डेसिमल है तो हम 0 प्लेस कर सकते हैं, 8 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे हमें 40 मिलती है और ये इसके बाद टर्मिनेट हो जाता है, जो कि है ना आफ्टर सर्टेन प्लेस टर्मिनेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में क्या है कि यदि आपको कोई रेशनल नंबर देता है बिना एक्चुअली डिवाइड किए, हमें ये बताओ कि द गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये ऑब्जर्वेशन में हम यही सीखेंगे। P by Q एक रेशनल नंबर है, क्या है वेयर वी नो Q इज नॉट इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, Q का जो फैक्टर होगा, Q आई एम टॉकिंग अबाउट डिनोमिनेटर, ओके, वी ओनली सी डिनोमिनेटर, हम सिर्फ डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर का फैक्टर शुड बी प्राइम फैक्टर, दैट विल बी 2 or 5 या फिर दोनों, 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए। यदि ये दोनों फैक्टर होता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी कैन से दैट द गिवन रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। तो एग्जांपल से एक समझते हैं, 7/20 है, ओके, 7/20 है, तो यहां पर देख रहे हो कि मैंने क्या बोला था, न्यूमरेटर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वी विल सी डायरेक्टली डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, 20 है, और 20 को यदि मैं ब्रेक करूंगा फैक्टर्स में तो 2 square into 5 आएगा। एज यू कैन सी हेयर आर द फैक्टर्स 2 and 5, 2 और 5 दोनों है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि दिस विल बी ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके, इसको मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकता हूं। दूसरा एग्जांपल देख लो, 13/25 है, तो 13/5 square होगा, 25 का मतलब 5 square, फैक्टर्स में यदि हम ब्रेक करेंगे तो हेयर यू हैव गॉट फैक्टर 5, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए, तो मेरे को 5 मिल गया, सो वी कैन से दिस विल बी ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक और एग्जांपल लेते हैं, 11/24, तो 11/24 को यदि हम फैक्टराइज करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, 2 × 2 × 2 × 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11/2 power 3 × 3, तो यहां पर देख सकते हो हमें फैक्टर तो 2 मिला है ना, एज हमारा रिक्वायरमेंट था 2 का, तो वो तो 2 एज ए फैक्टर हमें तो मिला है, बट वी हैव गॉट 3 also एज ए फैक्टर, तो ये 3 आने की वजह से मैं बोल सकता हूं कि दिस विल नॉट बी ए टर्मिनेटिंग फैक्टर। यहां पर क्या होना चाहिए था, 1 only 2 or 1 only 5
और 2 and 5 ओनली, समझ में आया? या तो 2 होना चाहिए सिर्फ, या तो 5 होना चाहिए सिर्फ, या 2 और 5 ही सिर्फ होना चाहिए, अदर कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आ गया 3, तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि द गिवन नंबर 11/24 विल नॉट बी ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, सो आई होप आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आप आसानी से टर्मिनेटिंग डेसिमल पहचान सकते हैं इसके थ्रू। और इसके रिलेटेड में क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में दी जाती है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन टेल मी द गिवन रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ़।